अब्बास उठा के ला थाले को। अब्बास अंगूठा ले साले का। चलो निकलो यहाँ से। विवेक बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ, ठीक है? फिर वे चलो थाने। सलाम टाइगर भाई। सलाम बैठ बादशाह। बादशाह तुझे जो कल काम दिया था हो गया? हाँ टाइगर भाई, हो गया काम। टपका दिया साले को, ये लो कागज। कोई सबूत तो नहीं छोड़ा? नहीं। देख लो टाइगर भाई, मरे हुए का अंगूठा भी अच्छा आता है भाई। तू तो बिल्कुल स्कैन कर लाया। और हाँ सुन, अपने एरिया का जो नया इंस्पेक्टर आया है बहुत हरामी है, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो ले। निकल। ठीक है टाइगर भाई, कुछ खर्चा पानी का इंतजाम करवा देते। चल तू निकल, मैं भिजवाता हूँ। सलाम भाई। जय हिंद सर। जय हिंद। बैठिए इंस्पेक्टर साहब। बताइए विधायक जी, कैसे बुलाया? आदेश करिए आप। बुलाया क्या? आपके थाना क्षेत्र रघुनाथपुर में जो कत्ल हुआ है उसके बारे में जानकारी है आपके या नहीं? सब जानकारी भी है, मैं तो सुबह मौके पे गया था। जब आपको जानकारी है तो अभी तक आप कर क्या रहे हैं? अभी तक आप एक भी मुजरिम गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाए? सर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और जितने भी अभियुक्त हैं बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहानाबाजी नहीं चाहिए। हाईकमान से मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहे हैं, बताइए क्या जवाब दें? विधायक जी मैं कोई बहानेबाजी नहीं कर रहा हूँ। ये जो कत्ल हुआ है ये मामूली गुंडों ने नहीं किया है, ये बसीम टाइगर की गैंग ने किया है। विधायक जी बसीम टाइगर की गैंग पे हाथ डालने के लिए हमें भी पावर चाहिए। आप गृह मंत्रालय से बात कर लीजिए। यदि आप गृह मंत्रालय से मुझे आदेश दिलवा देते हैं तो मैं ये पूरा क्षेत्र गुंडा मुक्त कर दूंगा। विधायक जी ये वादा है मेरा आपसे। जाइए आप ये समझिए कि आपको गृह मंत्रालय से आदेश मिल गया। जो भी करना है, जैसे करना है, जो भी पावर दिखानी है दिखाइए, पर हमारा क्षेत्र बिल्कुल गुंडा मुक्त चाहिए मुझे। जाइए आप, और आप समझिए आपको गृह मंत्रालय से आदेश मिल गया, लेकिन मुझे मेरा क्षेत्र गुंडा मुक्त चाहिए, समझे आप? ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। विवेक एक गिलास पानी लाना। क्या हो गया सर, परेशान लग रहे हो?
यार गोतिंदर, परेशान होने वाली बात तो है ही। अभी अभी मैं विधायक जी के यहाँ से आ रहा हूँ। कल जो मर्डर हुआ है उसको लेकर विधायक जी मुझ पर बहुत प्रेशर बना रहे हैं, और मेरे पास भी कमिश्नर साहब का फ़ोन आया था। हो सकता है कल गृह मंत्रालय से भी आदेश आ जाए। कमर कस लो, जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। सर हम तैयार हैं, आप आदेश करिए। ऐसा करो गोतिंदर, विवेक को साथ ले जाओ, और देखो अगर कोई मिलता है उठा के लाओ सालों को। और हाँ, अगर गोली चलानी पड़े तो पीछे मत हटना। जाओ विवेक, इधर आओ। और हाँ गोतिंदर, अपना भी ध्यान रखना, चलो जाओ। वो बैठा पकड़ साले। कौन है ये? वसीम टाइगर गैंग का आदमी है ये छोटा गब्बर। इसको लॉकअप में डालो और इससे पूछताछ करो, और अगर ना बताए तो इसे 3rd degree टॉर्चर दो। ले जाओ इसे। सलाम इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है भाई इंस्पेक्टर साहब, दुआ सलाम भी नहीं ले रहे हैं, इतनी नाराजगी क्यों है भाई? वसीम टाइगर, यहाँ कैसे आना हुआ, काम बताओ अपना। रही बात दुआ सलाम की, वो भी बहुत जल्द लेंगे, लेकिन सूद समेत। अरे भाई इंस्पेक्टर साहब, आप तो बेफालतू में नाराज हो रहे हैं। भाई वकील साहब, इन्हें वेल के कागज दीजिए। और क्यों भाई हमारे बंदे को परेशान कर रहे हैं, छोड़िए उसे, वो सीधा लड़का है, छोड़ दीजिए उसे। आप भी जिए और हमें भी जीने दें, क्यों वे फालतू में परेशान कर रहे हैं? वसीम टाइगर वो तो नहीं छूटेगा, उसका जेल जाना तो तय है। और रही बात मेरे जीने की, तो मेरी छोड़िए, अपनी फिक्र करिए। जिस दिन तुम्हारे खिलाफ मुझे एक भी सबूत मिल गया, वसीम टाइगर तुम्हारी ज़िंदगी का वो आखिरी दिन होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों दिन में सपने देख रहे हैं? रही बात मेरे आखिरी दिन की, तो उसके लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इस जन्म में तो आप मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। और आपके जैसे पता नहीं कितने इंस्पेक्टर आए और सलाम ठोक के चले गए। अगर ऐसी बात है तो सुन वसीम टाइगर, 15 दिन के अंदर अगर इसी थाने में तुझे उल्टा लटका कर ना मारा, तो मेरा नाम भी इंस्पेक्टर उदयवान सिंह नहीं। इंस्पेक्टर, लगता है तुझे अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं है, क्यों उन्हें राज करने पर तुला हुआ है? रही बात उल्टा लटकाने की, तो 15 दिन की बात छोड़, 2 दिन में इसे शमशान बना दूंगा। अगर ऐसी बात है तो सुन वसीम, तेरा जो चमचा है बादशाह, जिसने उस गरीब की हत्या की है, 2 दिन में मैं उसका एनकाउंटर करूंगा। बचा सकता है तो बचा ले, लगा ले एडी से चोटी का जोर। अरे इंस्पेक्टर, एनकाउंटर छोड़िए, आप उसे ढूंढ कर तो दिखाए। चलो भाई वकील। गोतिंदर तुम ऐसा करो, बादशाह का नंबर सर्वलाइंस पे लगाओ, सभी खबरियों को इन्फॉर्म कर दो, और आज दबिश की तैयारी करो। चप्पा चप्पा छान मारो, अगर साला पाताल में भी घुसा है ना, तो उसे खोद के निकालो। चलो गोतिंदर, देखते हैं मौके पे अगर कोई सबूत मिले तो। Thank you.
ये कहाँ मिलेगा? थोड़ा गांव 20 मिनट टावर आए, वहाँ चौपा रहे उनकी बाइक, रात के 9 बजे डांस होते करे उन्हें जाइए और रात ही मिली पक्की खबर है 9 बजे जाइए। ठीक है, थैंक यू छोटे भाई, चलो। Thank you.
जैन सर। जैन बैठी बैठा की अरे विधायक जी कैसे आना हुआ, मुझे बुला लेते मैं आ जाता। इंस्पेक्टर साहब बुलाने वाली कोई बात नहीं थी, आप अपना काम कर रहे हैं और हम अपना करने आ गए। बताइए विधायक जी आदेश करिए। आपने आज दो एनकाउंटर किए, लेकिन जो असली मुजरिम था बादशाह जिसने मर्डर किया वो कैसे बच गया? विधायक जी बादशाह के एनकाउंटर वाली बात नहीं है, अगर बादशाह मारा जाता तो हमें इनके मुखिया का पता नहीं चलता, क्योंकि बादशाह तो मात्र एक प्यादा है। बादशाह को जिंदा पकड़ने का हमारा उद्देश्य ये था बाकी अपराधियों के बारे में उससे पूछताछ कर सकें, अगर बादशाह एनकाउंटर में मारा जाता तो हम असली अपराधी तक कभी नहीं पहुंच पाते। देखिए इंस्पेक्टर साहब आपको जो भी करना है करिए, पूछताछ करनी है पूछताछ करिए, लेकिन आपके पास आज दोपहर तक का टाइम है, मुझे आज शाम तक बादशाह का काम तमाम चाहिए, क्योंकि मेरे पास होम मिनिस्ट्री से लगातार फोन आ रहे हैं, हमें प्रेस और जनता को भी जवाब देना होता है। बताइए क्या जवाब दें? देखिए विधायक जी हम नाराज मत होइए, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे हाथ कानून से बंधे हुए हैं, हमें भी कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते। विधायक जी आप निश्चिंत होकर घर जाइए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करिए, शाम तक काम हो जाएगा, लेकिन उसे हम करेंगे अपने तरीके से। देखिए इंस्पेक्टर साहब हम तभी निश्चिंत होते हैं जब हमारा काम हो जाता है, आपको जो भी रूल फॉलो करने करिए, लेकिन शाम तक काम हो जाना चाहिए, समझे आप? ठीक है विधायक जी। अरे भाई तुम्हें ससुराल ले चल रहे हैं, अभी तुम्हें हाजिरी भी तो करना है भाई, जेल में चक्की पीसना आराम से बैठकर, बिठा साले को। अरे बादशाह तू तो बड़ा समझदार है, तुझे क्या लगता है मैं तुझे जेल लेके जाऊंगा? मैं आज तुझे जेल लेके जाऊंगा तो कल बेल पे बाहर आ जाएगा और तू फिर से आतंक फैलाएगा, मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। आज हम तुम्हें उस जगह भेजेंगे जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही जगह है। साहब सही नहीं कर रहे हो, अगर टाइगर को पता चला ना तो थाने को शमशान बना देगा। बादशाह कभी मरने से नहीं डरता, लेकिन इंस्पेक्टर तुम अपनी फिक्र कर। इंस्पेक्टर मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन टाइगर तुझे भी नहीं छोड़ेगा, तेरे खानदान का नाम निशान मिटा देगा टाइगर। छोड़ दो इसे, और हाँ तेरे पास मौका आए भाग सकता है तो भाग, भागने से तो कोई फायदा है नहीं, मुझे मालूम है तुम मेरा इनकाउंटर ही करोगे। अगर तेरी इच्छा यही है तो फिर ठीक है, तेरा राम नाम सत्य ही करता हूँ। राम राम दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी हमारी वीडियो यह हमें कमेंट में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो में, तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।